नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं अदिति। आज लगने वाला है साल का पहला चंद्र ग्रहण। ये एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण तुला राशि, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण बेहद खास रहने वाला है क्योंकि ये ग्रहण 139 साल बाद बुध पूर्णिमा पे होगा। तो चलिए जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण में कौन से नियम और सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन से मंत्रों का जाप इस दौरान करना चाहिए। चांद पर लगने वाला है ग्रहण। अब चांद की चांदनी नहीं, चांद पर होगा अब ग्रहण का साया। साल का पहला चंद्र ग्रहण बुध पूर्णिमा यानी आज को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण की घटना प्रायः पूर्णिमा तिथि के दिन घटित होता है। इस वर्ष भी बैसाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण न तो पूर्ण चंद्र ग्रहण है न ही आंशिक चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। पूर्णिमा यानी पूर्णता की तिथि। बुद्ध पूर्णिमा के दिन जितना महत्व भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने का है, उतना ही महत्व चंद्रमा की पूजा का भी माना जाता है। क्योंकि पूर्णिमा दैवीयता का दिन, पूर्णिमा को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। कहते हैं कि इस दिन जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं, इसलिए इस दिन कई तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर आ गया ग्रहण का साया, तो क्या लेकर आया है आज चंद्र ग्रहण। चलिए हम आपको बताते हैं इस बार का चंद्र ग्रहण क्यों खास है। यह चंद्र ग्रहण जो उपछाया चंद्र ग्रहण है, यह लग कहां रहा है तो तुला राशि और स्वाति नक्षत्र पर लग रहा है। ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार यदि देखा जाए तो मेष राशि में राहु, सूर्य, बृहस्पति और बुध हैं। तुला राशि में चंद्रमा और केतु विद्यमान होंगे। इसलिए भले ही सूतक आदि का पालन नहीं होगा, इस तरह के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, फिर भी सावधानी सभी लोगों को अवश्य बरतनी चाहिए। यह वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है। विशिष्ट ग्रहण ना होकर एक उपछाया ग्रहण है। आज रात्रि 8:44 पर चंद्र ग्रहण आरंभ होगा। 6 मई को प्रातः काल 1:01 पर समाप्त होगा। ज्योतिषी के अनुसार ग्रहण तुला राशि और स्वाति और विशाखा नक्षत्र में लगेगा। यह उपछाया ग्रहण भारत वर्ष में दृश्य होगा। जिस तरह से सूर्य ग्रहण का असर हमारे जीवन, हमारी सेहत और हमारी राशियों पर पड़ता है, ठीक उसी तरह से चंद्र ग्रहण भी हम पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। सूर्य और चंद्रमा का वो असर जिसका धरती पर और हमारे ऊपर गहरा असर पड़ता है, वो हलचल है ग्रहण। ग्रहण कोई भी हो, ये ज्योतिषीय लिहाज से ये हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। चंद्रमा को जल का कारक माना गया है और पृथ्वी पर लगभग 75% के लगभग जल है और शरीर में भी इतना ही लगभग जल का समावेश होता है, जल रहता है। ऐसी स्थिति में और साथ ही मस्तिष्क में 85% जल होता है, तो देखा जाए तो चंद्रमा का प्रभाव व्यक्तियों पर ज्यादा पड़ता है। जब जब चांद या सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका असर हर किसी पर पड़ता है। पृथ्वी पर मौजूद हर जीव ग्रहण के असर से प्रभावित होता है। चंद्र ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना हो, लेकिन उसके असर के बारे में धर्मशास्त्रों में कई बार लिखा गया है। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में समुद्री तूफान आ सकता है, चक्रवात आ सकता है, हल्की सुनामी की स्थिति बन सकती है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भूस्खलन की स्थिति बन सकती है।
तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पूर्वी क्षेत्र में अगले 3 महीने तक देखने को मिल सकता है। मौसम में बड़ी नकारात्मक प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। पश्चिमी देशों में समस्या बढ़ सकती है, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बनेगी, वायुयान दुर्घटना और अग्नि से आपदा हो सकती है। महिला राजनीतिज्ञों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय न्यायालय से कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आ सकता है। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, तो क्या इस चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसे में जो चंद्रमा से प्रभावित राशियां हैं, लग्न के लोग हैं, वे लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। जैसे मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन। इस लग्न अथवा राशि के लोगों को विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। यह सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं है, यह उपछाया ग्रहण है जिसमें ग्रहण जैसा आभास होता है। इस तरह की स्थिति में किसी तरह के नियम लागू नहीं होते, कोई भी सूतक का नियम लागू नहीं होता। अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं, भोजन, विश्राम या पूजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। सूरज और चंद्रमा धरती के लिए बराबर महत्व रखते हैं, या इनमें होने वाली हलचलों का हमारी धरती पर और यहाँ के प्राणियों पर अलग अलग असर पड़ता है। अगर चंद्र ग्रहण के परिणाम शुभ न हो तो क्या करें? चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करें? आगे जानिए। आखिर ग्रहण क्यों लगता है? अंतरिक्ष में जब 3 खगोलीय पिंड एक रेखा में आ जाते हैं तो ग्रहण की घटना होती है। वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है तो उस पर अंधेरा हो जाता है। इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण 3 तरह का माना जाता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। उपछाया ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के पतले और बाहरी क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो चलिए जानते हैं चंद्र ग्रहण का ज्योतिष विज्ञान। चांद की रोशनी मध्यम पड़ जाए, वो काला हो जाए तो विज्ञान इसे ग्रहण कहता है, लेकिन ज्योतिष में इसके कई मतलब होते हैं। ग्रहण कोई भी हो, ये ज्योतिषीय लिहाज से हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। जानकारों के मुताबिक ग्रहण के दौरान ईश्वर का भजन कीर्तन कीजिए, आप ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचे रहेंगे। ग्रहण के दौरान की गई साधना विशेष लाभकारी होती है। ग्रहण काल में दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान भी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करना चाहिए। मंत्रों का ग्रहण काल में खूब जप करना चाहिए, इससे मंत्र सिद्धि में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल में मंत्र जाप करना, स्तुति करना और ध्यान विशेष लाभकारी होता है। इस समय में की गई पूजा निश्चित रूप से स्वीकार होती है। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। ग्रहण के बाद स्नान करके किसी निर्धन को कुछ ना कुछ दान जरूर करें। ज्योतिषी कहते हैं कि ग्रहण के प्रभाव बुरे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में इसका प्रभाव शुभ भी पड़ता है। तो अगर आप ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं और बुध पूर्णिमा पर ईश्वर कृपा भी चाहते हैं तो सबसे बड़ा उपाय है ईश्वर की आराधना और ग्रहण काल में साधना। ग्रहण के दौरान कुछ नियम पालन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ग्रहण के समय भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करें, दूर से ही प्रणाम कर लें। भले ही मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे, फिर भी यदि आप अकेले में बैठकर ध्यान करें, पूजन करें, मनन करें, चिंतन करें, मंत्रों की सिद्धि करें तो ज्यादा अच्छा है। ईश्वर की कृपा हर बुरे प्रभाव को दूर कर सकती है, इसीलिए पूजा उपासना का महत्व वेदों में बताया गया है। पूजा उपासना में इतनी शक्ति है कि इसके शुभ प्रभाव ग्रहण के बुरे प्रभावों को दूर कर देंगे। तो अगर चंद्र ग्रहण के परिणाम शुभ ना हो तो जानिए यह अचूक उपाय। चंद्र ग्रहण के समय में अधिक से अधिक नमः शिवाय का जाप करें, चाहे तो चंद्रमा के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ग्रहण के बाद सफेद वस्तुओं का दान करें। सामान्य रूप से
चावल का दान कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा से जुड़ी चीजें हैं, तो चावल, चीनी, सफेद चंदन, दूध इत्यादि का आप दान करेंगे तो लाभ मिलेगा। और कंबल दान कर सकते हैं, काला वस्त्र दान कर सकते हैं, दुरंगा वस्त्र दान कर सकते हैं, और चावल, चीनी, दूध, सफेद चंदन, सफेद पुष्प, सफेद वस्त्र भी दान करेंगे तो आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। ग्रहण काल में किसी भी मंदिर के कपाट नहीं खोले जाते। ग्रहण काल खत्म होने पर विशेष पूजा अर्चना के बाद ही मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। हालांकि ये नियम तब लागू होते हैं जब सूतक लग रहा हो। किस्मत से साल के इस पहले चंद्र ग्रहण का सूतक भारत में लागू नहीं हो रहा, तो ऐसे में मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे। सवाल ये है कि ग्रहण काल के बाद क्या किया जाए। चंद्र ग्रहण के बाद पूजा स्थान की साफ सफाई करें, पूजा स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, इसके बाद अपने गुरु या शिव जी की उपासना करें, फिर किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करें। क्यों राहु का दान करना चाहिए? क्योंकि ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य दोनों ही राहु से पीड़ित होते हैं, केतु से पीड़ित होते हैं, तभी ग्रहण की स्थिति बनती है। ऐसे में जब राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे तो राहु जन्य नकारात्मक जो प्रभाव है वह समाप्त होगा और जीवन में शुभता बढ़े। इंसान अगर सच्चे मन से भगवान को याद करे तो वह हर हाल में मदद के लिए पहुंचते हैं। इसीलिए इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ईश्वर की उपासना में मन लगाएं, ग्रहण के सभी अशुभ प्रभाव खत्म होंगे, फिर कोई भी बुरा प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा। ग्रहण के बाद क्या दान करें, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि हर राशि पे ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं हैं। ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, सूतक काल रहता है, इस काल में दान और मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के वो कौन से नियम और सावधानियां हैं जिनका पालन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर महीने की पूर्णिमा विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इस दिन तीर्थ स्थलों में गंगा स्नान लाभदायक और पाप नाशक माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए इस दिन भगवान बुद्ध का ध्यान करना विशेष लाभदायक होता है। लेकिन वैशाख पूर्णिमा पर इस बार है चंद्र ग्रहण का प्रभाव। मंत्रों का जप करें, सूर्य के मंत्र का जप करें, राहु के मंत्र का जप करें और चंद्रमा के मंत्र का जप करें। इष्ट देव के मंत्र का जब आप लोग जानते होंगे, जो आपके इष्ट देव होंगे उनके अनुसार आप मंत्र का जप कर लेंगे। सूर्य से संबंधित ओम सोम सोमाय नमः, ओम सह चंद्रमशाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम रांग राहवे नमः, इसी प्रकार अनेकों मंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको आप खूब जपें ग्रहण काल के दौरान। लेकिन अपने इष्ट देव को जरूर याद करें, उनके मंत्रों को जरूर जपें। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि बुद्ध पूर्णिमा की तिथि पूजा पाठ के लिए विशेष कल्याणकारी है, इसलिए इस दिन ईश्वर के ध्यान और उपासना से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन को दैवीयता का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। इस दिन ध्यान, दान और स्नान विशेष लाभकारी होता है। इस दिन तिलों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो बात थी वैशाख पूर्णिमा की, लेकिन आज ही लग रहा है चंद्र ग्रहण, तो किन मंत्रों का जाप करना बेहद उत्तम होगा, आइए आपको बताते हैं। ओम श्रांग श्रीं श्रौंग सह चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्र शेखराय नमः, ओम नमः शिवाय। पूजा उपासना और ईश्वर की भक्ति में बहुत ही शक्ति है। कहते हैं जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो हर बाधा से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख पूर्णिमा भी ईश्वर की कृपा पाने का ही ऐसा ही दिव्य दिन है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा ही मंगलकारी और दिव्य है। आप इन महाप्रयोगों को कीजिए, ईश्वर आपका सदा और सर्वदा कल्याण करेंगे।
हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे आनी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जीएनटी यानी गुड न्यूज टुडे।